स्टूडेंट्स, हम चैप्टर वन के क्वेश्चन आंसर कर चुके थे। अब इस चैप्टर में कुछ ग्रामर टॉपिक्स हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक है? सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स। हमारे ग्रामर टॉपिक का नाम क्या है? सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स। हम लोग सिंगुलर वर्ड्स पढ़ेंगे एंड उनको प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं वो पढ़ेंगे। तो पहले देखो, सिंगुलर किससे बना है? सिंगल से। सिंगुलर कौन से स्पेलिंग से बना है? सिंगल से। सिंगल का मतलब होता है ओनली वन, केवल एक ही चीज। सिंगल का मतलब होता है एक, और प्लूरल मतलब बहुत सारी। तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या डेफिनेशन है। ए सिंगुलर वर्ड, एक सिंगुलर वर्ड नेम्स बताता है, नेम बताता है ओनली वन पर्सन, केवल एक ही पर्सन का। सिंगुलर वर्ड हमें क्या बताता है? ओनली वन, केवल एक ही पर्सन। पर्सन के बारे में प्लेस, या फिर किसी एक प्लेस के बारे में थिंक, कोई एक थिंक के बारे में, और आइडिया, या फिर कोई एक आइडिया के बारे में। ओनली वन, एक ही चीज के बारे में बताता है सिंगुलर वर्ड। ऐसे वर्ड जो सिंगुलर हो वो हमें क्या बताते हैं? कोई एक पर्सन के बारे में, कोई एक थिंक के बारे में, ऐसे एक ही चीज को डिनोट करते हैं वो। आगे देखो, ए प्लूरल वर्ड इंडिकेट्स, एक प्लूरल वर्ड किसको बताता है? मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब एक से ज्यादा, और समथिंग किसी चीज के बारे में। सिंगुलर तो बताता है कोई चीज एक ही हो उसके बारे में, और प्लूरल में इसके बारे में बताता है मोर देन वन, एक से ज्यादा के बारे में। जैसे कुछ एग्जांपल देखो, यहाँ यार लिखा बॉय। अब यहाँ पे हमने वन नहीं लिखा, वन बॉय, टू बॉय, ऐसे नहीं लिखा। बॉय का मतलब हम लोग लेंगे कि ये सिंगुलर है, एक ही बॉय है। अब इसके आगे एस लगा बॉयज, बॉयज का मतलब बहुत सारे लड़के। यहाँ बॉय का मतलब एक ही लड़का, ओनली वन, और यहाँ बॉयज का मतलब है मोर देन वन, एक से ज्यादा बॉयज की बात हो रही है। ऐसे टॉय, खिलौना। अब यहाँ एक टॉय लिखा है तो हम लोग एक ही समझेंगे इसको, कि एक ही खिलौने की बात हो रही है, और टॉय का मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है। टॉय, टॉयज, एक, एक से ज्यादा। हम लोग बोलेंगे कि ये सिंगुलर में दे रखा है और ये प्लूरल फॉर्म में दे रखा है। इसे देखो रूम। अब रूम को भी हमें ऐसे ही समझना है कि ये सिंगुलर है, एक ही रूम है, और रूम्स आए तो क्या समझेंगे? कि ये प्लूरल है, एक से ज्यादा रूम्स की बात हो रही है। ऐसे पेन, एक ही पेन है, सिंगुलर है, और पेन्स मतलब बहुत सारे पेन है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्लूरल। वापस देखो, बॉय, एक ही बॉय को ले लो, बॉय, एक ही बॉय के बारे में बता रहा है तो इसको बोलेंगे सिंगुलर, और बॉयज मतलब बहुत सारे बॉयज, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? प्लूरल। इसे आपको याद करना, जो चीज ओनली वन को डिनोट करे उसको बोलेंगे सिंगुलर, और बहुत सारे को डिनोट करे, मोर देन वन को, तो उसको बोलेंगे प्लूरल। कुछ रूल्स देखने हैं। अब देखो, हम लोग कुछ रूल्स देखते हैं सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के। सिंगुलर वर्ड्स दिए हुए हो तो उनको प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे उसके लिए आपके बुक में कुछ रूल्स दे रखे हैं। तो रूल नंबर वन देखते हैं। स्पेलिंग लिखी है मैंगो, और ये सिंगुलर में लिखी है, ठीक है। अब इसके आगे देखो, इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या यूज किया है? टीएस यूज किया है, मैंगो और मैंगोज, टीएस लगाया ना, तो हमारा रूल नंबर वन क्या बना? अगर कोई स्पेलिंग ओ से कंप्लीट हो रही हो, खत्म हो रही हो, अगर कोई स्पेलिंग ओ से खत्म हो रही हो, तो हम लोग उसमें प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे? टीएस यूज करेंगे उसके आगे। तो रूल नंबर वन, ए स्पेलिंग कंप्लीट्स विद ओ, देन वी यूज टीएस। तब हम लोग किसको यूज करेंगे प्लूरल में चेंज करने के लिए? टीएस को यूज करेंगे। ये हो गया रूल नंबर वन। अगर कोई स्पेलिंग ओ से कंप्लीट हो रही हो तो आपको उसको प्लूरल में चेंज करने
वाई से पहले वाला लेटर क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। वाई से पहले ओ लिखा है ना, तो अब हम लोग ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं ए ई आई ओ यू, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वोवेल्स बोलते हैं। या आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हो ए ई आई ओ यू, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वोवेल्स बोलते हैं। इसमें वाई से पहले ओ आ रहा है, ओ क्या है? वोवेल है। तो देखो हमारा रूल क्या बना, किसी स्पेलिंग में लास्ट में वाई आ रहा हो और वाई से पहले कोई वोवेल आ रहा हो, वापस सुनो, लास्ट में क्या आना चाहिए? वाई आना चाहिए और वाई से पहले वोवेल आ रहा हो। वोवेल में इनमें से कोई भी हो सकता है, यहाँ इस स्पेलिंग में ओ आ रहा है, लेकिन रूल वोवेल्स के लिए है कि वाई से पहले वोवेल आ रहे हो तो आपको क्या यूज करना है, उसमें एस यूज करना है। वापस सुनो, कोई स्पेलिंग में लास्ट में वाई आ रहा हो और वाई से पहले कोई वोवेल आ रहा हो तो आपको उसमें प्लूरल में चेंज करने के लिए एस यूज करना है। जैसे इसमें दे रखा है टी ओ वाई टॉय, वाई से पहले वोवेल आ रहा है तो इसमें क्या चेंज किया है? वाई के आगे जस्ट हमने एस ऐड किया है, तो वोवेल प्लस वाई आए तो हम लोग क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। ये रूल नंबर टू। अब देखो रूल नंबर थ्री, ये स्पेलिंग दे रखी है बेबी, बेबी में भी लास्ट में क्या आ रहा है? वाई आ रहा है, आ रहा ना बी ए बी वाई, लास्ट में वाई आ रहा है। अब देखो इसमें तो वाई से पहले वोवेल था ना, अब इसमें क्या है? वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट, वोवेल्स को छोड़ के जो लेटर्स बच गए उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो देखो वाई से पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो हमारा रूल क्या बना, कोई स्पेलिंग वाई से खत्म हो रही हो, कंप्लीट हो रही हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो, कंडीशन क्या है? वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा हो तो हम क्या करेंगे? रिमूव वाई, वाई को हटाएंगे, रिमूव मतलब हटाना, वाई को हटाएंगे एंड और एड आईईएस, आईईएस ऐड करेंगे। क्या रूल हुआ? कॉन्सोनेंट प्लस वाई आए तो हम क्या करेंगे? y को रिमूव करेंगे एंड ies ऐड करेंगे। ये देखो y और कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से y को इरेज कर दिया ना, y नहीं आ रहा इसमें, तो y को रिमूव कर दिया यहाँ से और क्या ऐड किया है? ies। y को रिमूव करके हमने क्या ऐड किया? ies। तो रूल बन गया कॉन्सोनेंट प्लस y आए तो आपको y को रिमूव करना है और ies ऐड करना है। हमारे तीन रूल्स, वापस सुनो, फर्स्ट रूल था लास्ट में ओ आए तो ई एस लगाएंगे प्लूरल में चेंज करने के लिए। रूल नंबर टू, लास्ट में वाई आए तो हमें उससे पहले वाला लेटर देखना है, तो वाई, वाई से पहले अगर वोवेल आए तो आपको उसमें एस लगाना है, वाई से पहले वोवेल आए तो एस लगाएंगे। अब रूल नंबर थर्ड, वाई और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए तो आपको वाई को रिमूव करना है और आई एस लगाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर फोर, पब्लिक एफ ई, किसी स्पेलिंग में लास्ट में एफ आए या फिर एफ ई आए देन रिमूव एफ और एफ ई। अगर लास्ट में एफ आ रहा है या फिर एफ ई आ रहा है तो आपको दोनों को रिमूव करना है, हटाना है एंड एड वी ई एस और वी ई एस ऐड करना है। अब या तो किसी स्पेलिंग में एफ आ सकता है या फिर एफ ई आ सकता है, तो आप क्या करोगे? दोनों के लिए एक ही रूल है, इन दोनों को हटाना है और आपको वी ई एस ऐड करना है। ये देखो लीव, इसमें लास्ट में एफ आ रहा है तो हमने क्या किया? रूल के अकॉर्डिंग एफ को हटा दिया, एफ आ रहा है ना इसमें लास्ट में, तो एफ को रिमूव कर दिया और क्या ऐड करना था? वी ई एस। तो एफ को रिमूव करके क्या ऐड किया है? वी ई एस। ऐसे ही नीचे नाइफ, नाइफ में क्या आ रहा है? एफ ई, रूल में एफ ई भी तो है, तो देखो इसमें एफ ई आ रहा है
है, इसमें लास्ट में एस आ रहा है तो हम लोग गोल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे। तो बस फिर ई एस लगा रखा बसेस, बस का प्लूरल क्या हो जाएगा बसेस। ऐसे ही एक्स का रूल भी है ना, इसमें लास्ट में एक्स आए तो भी ई एस लगाएंगे। तो देखो बॉक्स, बॉक्स में लास्ट में एक्स आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इससे आगे ई एस लगाएंगे। ऐसे ही अगर किसी स्पेलिंग में डबल एस आ रहा है तो भी आपको ई एस लगाना है, एस एच आ रहा है तो भी ई एस लगाना है, सी एच आ रहा है तो भी ई एस लगाना है। जैसे देखो एस एच का देखो, बी आर यू एस एच ब्रश, ब्रश में लास्ट में एस एच आ रहा है तो एस एच आएगा तो आपको ई एस लगाना है ब्रश, और इसके आगे क्या लगा। अब देखो रूल नंबर सिक्स क्या है, अगर आपको कोई स्पेलिंग आ जाए जिनमें आपके ये फाइव रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं, अगर कोई स्पेलिंग आ जाए जिसमें फाइव रूल अप्लाई नहीं हो रहे तो आप क्या अप्लाई करोगे उस पर, एस एस ऐड करोगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें आपको एस लगाना होता है तो वो आपको लर्न करने पड़ेंगे कि कौन कौन सी स्पेलिंग के आगे एस आता है। तो देखो पेन, पेन के आगे क्या लगाएंगे एस, तो इसका प्लूरल बन जाएगा पेन पेन्स। ऐसे ही पेरेंट, पेरेंट के आगे भी एस पेरेंट्स, और हमने पीछे देखा था रूम। अब देखो हमने एम का कोई रूल नहीं पढ़ा, देखो रूम रूम एम का कोई रूल नहीं पढ़ा हमने, ऊपर ओ का पढ़ा था, वाई का पढ़ा था, एफ का भी पढ़ा था, एम का कोई रूल नहीं आया ना, तो हम लोग क्या लगाएंगे एस लगाएंगे रूम्स। तो ऐसे आपको सिक्स रूल्स लर्न करने हैं। सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, तो उसको सॉल्व करते हैं। चेंज द सिंगुलर वर्ड्स, आपको सिंगुलर वर्ड्स को चेंज करना है टू प्लूरल, प्लूरल में चेंज करना है, एंड रीराइट द रिटन सेंटेंसेस, और सेंटेंस को वापस लिखना है। क्या करना है, सिंगुलर वर्ड्स दे रखे हैं उनको प्लूरल में चेंज करना है और सेंटेंस को वापस लिखना है प्लूरल में चेंज करके। सेंटेंस फर्स्ट, द नर्स लुक्ड आफ्टर द सिक पर्सन, तो हमें किसका चेंज करना है नर्स, इसको प्लूरल में चेंज करना है, और पर्सन इसको भी प्लूरल में चेंज करना है। तो देखो ई लास्ट में ई आ रहा है नर्स में, ई का हमने कोई रूल नहीं पढ़ा ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसके आगे एस वाला रूल अप्लाई करेंगे। The nurses looked after the sick। अब इसको चेंज करना है पर्सन को, पर्सन का मतलब होता है कोई एक इंसान, अब हम बहुत सारे लोगों की बात करेंगे तो इसकी जगह क्या हो जाएगा पीपल, पीपल हो जाएगा इसकी जगह। नर्स की जगह तो हमने क्या चेंज किया नर्सेस, और पर्सन की जगह क्या लिखेंगे पीपल। आगे देखो द गार्डनर पिक्ड अप द ड्राई लीफ,
अच्छे से लर्न करने हैं और ये क्वेश्चंस करने हैं कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं।